एक कैलकुलेटर सबके माइंड में चलता रहता है। जब हम एक दिन 1 लाख बना लेते हैं तो हमको तुरंत लगता है 20 दिन में 20 लाख। ये कैलकुलेटर बंद होना चाहिए, ये आना ही नहीं चाहिए माइंड में। बहुत सारे काफी सारे होंगे जो ट्रेडिंग या तो बिल्कुल बिगनर हैं या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, स्पेशली इंट्राडे या एफएनओ में घुसने की सोच रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करें सिस्टमैटिक। मैक्सिमम लोगों को लगता है चलो ट्राई करते हैं लॉटरी टाइप, गैम्बलिंग टाइप। आप ट्रेडर बनो या ना बनो, एटलीस्ट आप बर्बाद नहीं होंगे, एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस स्मूथ रहेगा। सबसे पहले अगर कोई नया आदमी है तो स्टॉक मार्केट को उसको ये समझना है कि ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। जो कि मैंने सोचा था शुरू में तो मुझे मजा आता था, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि पैसा इसमें बहुत ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग आती थी कि एक दिन में 20,000 तो महीने भर में इतना, और मैं मेरे माइंड में वो चलता रहता था। तो जब आप मार्केट में आए हो तो आपको ये सोचना है कि आपके करंट काम के साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा और पैसा बनाना। अगर ये एक्सपेक्टेशन लेके आओगे तो गलती होने के चांसेस कम है।